गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज गुरु पूर्णिमा, इसका मतलब व्यास पूर्णिमा। सब स्टूडेंट, टीचरगण और मेरे पेरेंट्सगण, सबको व्यास पूर्णिमा की शुभ शुभ कामनाएं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज दिन में जो दिन हम ये देश में पूरा देश हाजरा करता है, हमारी संस्कृति ऐसी है, गुरुओं का आदर्श, माताओं का आदर्श, पिताओं का आदर्श, सब सब का आदर्श हम देते हैं और शिक्षा प्राप्त कर हमारा जीवन सफल करते हैं। ऐसे गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। पहला गुरु है हमारी माँ। हमारी माँ हमें जन्म देती है, जीना सिखाती है और उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाती है, ये दुनिया दिखाती है। दूसरा गुरु है हमारे पिता। हमारे पिता ने हमारे संकट में, अच्छा हो बुरा हो, हर समय पर हमसे तालीम लिया, कोशिश प्रयास कर लिया, अपेक्षा कौन सी चीज के नहीं लिया, इसलिए हमारे पिता दूसरे नंबर पर गुरु है। और तीसरे है जो हमारे गुरुजीगण, जो हमें दुनिया सिखाती है, दुनिया दिखाती है सब कुछ। आज हमें पहले से आज तक गुरुओं की परंपरा है। पहले राजा महाराजों के आश्रम स्कूलों में जाते थे, आश्रम पाठशाला थी पहले, गुरुकुल बोलते थे उसको। ऐसे गुरुकुल में अभ्यास करते थे, स्टडी करते थे। और अभी भी, अभी हमारा साम्राज्य बढ़ गया, हमारी लड़कियां लड़के सब कुछ, हर जाति का, हर धर्म का, हर पंथ का स्टूडेंट हो, एक छत पर एक विद्यालय में आज पढ़ाई करता, ही अभिमान की बात है। ऐसे अवसर पर ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हमें आज सीखना है हमारे गुरु कैसा रहना है, हमें क्या देना है और हमारे गुरु की अपेक्षा क्या है। बच्चों, हमारे गुरु को कुछ नहीं लगता, हमारे गुरु मांगते हैं, जो आशा से रहते हैं, धन कमाते हैं, वो गुरु नहीं। जो गुरु दक्षिणा स्टूडेंट से मांगते हैं, मुझे आज सुबह सुबह एक 10-12 स्टूडेंट का फोन आया, मैं बोला उनको, मुझे क्या देंगे आप गुरु दक्षिणा कर। उन्होंने बोले कि आप जो मांगेंगे वो देंगे। मेरी अपेक्षा क्या रहती, क्योंकि अपने गुरुजन की अपेक्षा क्या रहती हम सोचना है, क्योंकि अच्छी पढ़ाई कर ये जीवन हमारा, हमारे देश के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे समाज के लिए प्रतिबद्ध है। और वो उसका दुरुपयोग ना कर ये समर्पित हम जीवन ऐसे कार्य में हम करेंगे, ऐसा आज का हमारा संकल्प है। ऐसे जमाने में आज की परिस्थिति बहुत गंभीर है। ऐसी गंभीर परिस्थिति में हमें अपने स्कूल में आज बहुत आनंददायी उत्सव बनता था, लेकिन हो नहीं सका, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं आपको वीडियो कॉल से आपको शुभकामनाएं देता हूँ और अपन जीवन अच्छी तरह से संभालना है, स्टडी अच्छी तरह से करना है और अपना गुरुओं को गुरु की दक्षिणा देकर हमें उसे अपने कर्जों से मुक्ति पाना है। हमारे ऊपर सबका कर्जा है, हमारी माँ का कर्जा है, हमारे पिता का कर्जा है, हमारे गुरु का कर्जा है, हमारे समाज का कर्जा है और हमारे देश का कर्जा है। ये सबका हमारे जीवन में आखिरी सांस तक ये कर्जा हमें चुकाना है। और सब अच्छा रहना, खुश रहना और शांति से रहना, टेंशन मत लेना और अपनी स्टडी करते रहना। सानी गुरुजी सबको पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज सबको पता है,
माँ जिजाऊ ने क्या किया और सानी गुरु जी की माँ ने क्या क्या किया ये आपको सबको पता है, बताने की बहुत जरूरत नहीं, अपन समझदार है। ऐसे बीच बीच में अपना संस्कार का पीरियड चलते रहेगा, एक आधा सब्जेक्ट रहेगा तो चलेगा, लेकिन हमें संस्कार की बहुत जरूरत है। और हमारे पेरेंट्स गण को मतलब तुम्हारे माँ बाप को मैं विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चे के ऊपर ख्याल रखना, क्या कर रहे, क्या कहाँ जाते, कैसे करते, स्टडी करते क्या नहीं, ये बात अपन सोच समझ कर करना है। और अपना जो संकल्प है, हमारा भी जीवन है, आपके भी गुरु कौन तो है, उनके गुरु के कर्ज में से मुक्त होना है। अपने बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ाई दे दो, ध्यान रखो। आज गुरु पूर्णिमा की सबको खूब खूब शुभकामनाएं, धन्यवाद।